चैनल की तरफ से नमस्कार। बागरमऊ उन्नाव से इस वक्त की खबर आ रही है, जहां पर जनपद उन्नाव में जो आए दिन रेप कांड या भ्रष्टाचार ग्राम प्रधानों की दबगई को लेकर सुर्खियों पर बना रहता है। भारतीय गौरक्षा वाहिनी के यूपी प्रभारी उत्तराखंड जनसंपर्क प्रमुख अदाब अली ने उन्नाव डीएम को खुद भी कई ग्राम सभाओं के माफियों के बारे में लिखित में अवगत करवाया गया। अब देखने वाली बात तो ये होगी, कार्रवाई होती है या कागजों में लव लेटर की तरह एक बंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। उन्नाव विकास खंड हसनगंज ग्राम पमेदिया में सैकड़ों गरीब बेसहारा व्यक्ति ग्राम प्रधान राम दुलारी भ्रष्टाचार का पोल वर्षों से खोलते नजर आ रहे हैं। दबंग ग्राम प्रधान राम दुलारी प्रतिनिधि गोविंद की दबगई से आप पत्रों में प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं। पत्रों के प्रधानमंत्री आवास के नाम से ठेंगा दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत मिशन के तहत इस शौचालय में भी यहां पर बंदरवाड़ किया जा रहा है। ग्राम प्रधान विकास प्रतिनिधि में ग्राम प्रधान जमकर सरकारी खजाने के विरुद्ध यहां पर दुरुपयोग भी किया जा रहा है, जिसके शिकायत दर्जनों ग्रामीणों ने हसनगंज एसडीएम साहब को भी, यहां पर एसडीएम साहब ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन ग्राम प्रधान की यहां पर चलती दबगई और वीडियो में जिला अधिकारी की मिलीभगत से ज्यादातर भ्रष्टाचार की जाँच का दबाव दिया जाता है। सर जी, हमारे गाँव में भ्रष्टाचार का जी, हम 2017 से लगातार शिकायतें करते आ रहे हैं जी। ब्लॉक के कर्मचारी, प्रधान और पीडी साहब मिलके इसमें घपला कर रहे हैं। जब हमने एप्लीकेशन दी तो दबंग प्रधान ने हमारे ऊपर हमला किया, जिसका मुकदमा 308 का पंजीकृत है जी। वो भी हमला जांच करने आए, JMI अनिल कुमार सिन्हा जी के सामने हुआ। उसके बाद उन्नाव से टीम गई जांच में, 5 में से 3 अपात्र घोषित किए गए आवास में। उसमें भी पीडी साहब ने 2 लोगों को फिर मार लेके पात्र कर दिया जी, सिर्फ 1 रिकवरी रह गई जी। 15 साल पूर्व बने शौचालय ये देख लीजिए, आपके पास हमने अभी बताया भी है, दिखा भी रहे हैं। 15 वर्ष पूर्व बने थे 2 शौचालय, 24,000 रुपया निकाल लिया गया। ये रिकवरी का आदेश है, इसमें 1 लोग सिर्फ बचे हैं। नरेगा में लोग चंडीगढ़, लखनऊ, हसनगंज, उन्नाव रह रहे हैं, उनकी फर्जी मजदूरी चढ़ा के पैसा निकाला जा रहा है जी। ये भैया जी हैं, इनका 70,000 रुपया ले लिया जी। हम लोगों के सामने बोले दुकान की ईंटा गिट्टी मोरंग सीमेंट सरिया दे देंगे, सिर्फ इनको 2 टाली ईंटा दिया, पूरा पैसा जब्त कर गए प्रधान जी। प्रधान जी जी, अब कोई अगर कुछ कहता है तो चूँकि प्रधान महिला हैं, जमींदार परिवार से हैं, उनका अंग्रेजों वाली वही हुकूमत, गांव में ही मायका है, 100 लोग हैं कम से कम, तो गुंडाई दबंगई करके सबको दबकाते धमकाते हैं। ये देख लीजिए, SDM साहब को हम 15 लोगों ने हलफनामे दिए थे जी, जिसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, सब डस्टबिन में डाल दिए गए जी। SDM साहब को जो आपने वो दिए एप्लीकेशन, तो उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्यवाही किसी में आज तक, जब रिकवरी का आदेश लिए घूम रहे हैं, रिकवरी नहीं हुई तो और क्या कार्रवाई हो जी। ये दबंग प्रधान है जी, ये बस धमकाते रहते हैं। तो जिलाधिकारी को अभी ज्ञापन दिया? अभी जिलाधिकारी महोदय को देके आए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या आश्वासन दिया? कि हम ये फाइल पुटअप करते हैं, इसको मंगाते हैं, हम जिला स्तर से इसकी जांच कराते जांच कराते हैं जी जी। सब लोग का ये मामला है जी। अभी ग्रामीण इतनी दहशत में रहते हैं कि वो बंदूक तक ले लेके धमकाते हैं जी जी। जिनके नाम बंदूक है, वो 80 साल के हैं, बंदूक लेके खड़ा नहीं हो सकते, उनके लड़के और नाती ले लेके दुनाल लहराते हैं कि क्या करोगे क्या करोगे जी जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग ग्राम पमेदिया तहसील व ब्लॉक हसनगंज जनपद उन्नाव से हैं। जिलाधिकारी जी से मिलके हमें कुछ आसल लगी कि हाँ कुछ साफ सुनवाई करेंगे जी जी। तो जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि आपका जी सर जी। चलो ओके। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस